नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हिलेरी ने रचा इतिहास, बनी राष्ट्रपति पद की पहली महिला उम्मीदवार। हिलेरी क्लिंटन ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी जीतकर इतिहास रच दिया। वह अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी बड़ी पार्टी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है। विदेश मंत्री, प्रथम महिला एवं न्यूयॉर्क के सीनेटर रह चुकी हिलेरी ने फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में पार्टी के कुल 4,764 डेलीगेट्स में से बहुमत का समर्थन हासिल करके उम्मीदवारी जीती। प्राइमरी चुनाव में हिलेरी के प्रतिद्वंदी बनी सैंडर्स ने अपने गृह राज्य वर्मोंट की आने पर हिलेरी के नामांकन का प्रस्ताव पेश किया और इस तरह पार्टी के लिए एकता का संदेश दिया। सैंडर्स ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारी के तौर पर हिलेरी के सर्वसम्मत नामांकन का रास्ता साफ करने के लिए नियमों के निलंबन की अपील की। हाफिज सईद के लोगों को वीजा नहीं देगा भारत। मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता हाफिज सईद के नेतृत्व वाले जमात उद दावा के सदस्यों को भारत वीजा जारी नहीं करेगा। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जमात उद दावा के सदस्यों को वीजा प्रदान करने का सवाल ही नहीं उठता। अधिकारी ने यह बात उन खबरों के बारे में पूछे जाने पर कही कि जमात उद दावा के 30 सदस्यों ने कश्मीर की यात्रा करने के लिए भारतीय वीजा के लिए आवेदन किया है ताकि वे वहां घायलों का इलाज कर सके। इन सदस्यों में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल कर्मचारी शामिल है। और से मिली खबर के अनुसार आवेदनकर्ताओं ने अपने वीजा आवेदन में एक अर्जी दी है जिसमें वे कश्मीर जाना चाहते हैं ताकि सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में घायल हुए व्यक्तियों का मानवीय आधार पर इलाज कर सके। नरसिंह की जगह रियो जाएंगे प्रवीण राणा। डोपिंग मामले में फंसे पहलवान नरसिंह यादव के स्थान पर प्रवीण राणा रियो ओलंपिक में भाग लेंगे। राणा वही पहलवान है जिन्हें नरसिंह ने फाइनल ट्रायल में शिकस्त दी थी। भारतीय कुश्ती संघ के मुताबिक रियो ओलंपिक में पहलवान नरसिंह यादव की जगह प्रवीण राणा 74 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेंगे। राणा का नाम भारतीय ओलंपिक संघ को भेज दिया गया है। कुश्ती संघ के इस निर्णय से सुशील कुमार की रियो ओलंपिक में खेलने की उम्मीद एक बार फिर टूट गई है।